क्वेश्चन को, यहां पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लाना है। सो पिक करते हैं हम एल एच एस को। एल एच एस को ही क्यों पिक कर रहा हूं मैं, इसका मेन रीजन ये है कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड है, इस वजह से इसे मैं पिक कर रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आपके पास क्वेश्चन आए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लाना हो तो एक्सपेंडेड पार्ट को पिक करो सॉल्व करने के लिए। तो इसे मैं एज ए एल एच एस डील करूंगा, लिखने नहीं जा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आइडेंटिटी नो, कॉमन कुछ है तो यस कॉमन है, ऊपर साइन दिख रहा है मुझे कॉमन दोनों में, तो मैं साइन को कॉमन लूंगा साइन थीटा। यहां हुआ वन और यहां माइनस टू साइन क्यूब है, यानी साइन थ्री टाइम्स है। सो वन साइन मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। सो यहां पे साइन स्क्वायर अपना रह जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा मैं लिखूंगा ऊपर। सिमिलरली नीचे भी मुझे कॉस कॉमन दिख रहा है, तो मैं कॉस कॉमन लेने वाला हूं कॉस थीटा, और इधर बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखो कुछ कट रहा है नहीं, कोई आइडेंटिटी आप जानते हो तो साइन स्क्वायर थीटा की आप आइडेंटिटी जानते हो, कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी जानते हो, यही है ना। तो किसी एक को आप या तो कॉस में साइन की आइडेंटिटी लगा दो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख लो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर में लिख लो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसी एक को चेंज करो, क्योंकि कॉस ऑलरेडी नीचे है तो ऊपर साइन को कॉस में बदल देंगे तो हो सकता है कि दोनों कट जाए, पॉसिबिलिटी है। आइए करते हैं, ये साइन अपॉन कॉस टेन आ जाएगा, ये दिख ही रहा है तो ये कटेगा, लेकिन किस स्टेप में कटेगा वो देखते हैं। तो साइन अपॉन कॉस ऐसे ही रहने दो, आप साइन थीटा ऐसे ही रहने दो, वन माइनस टू ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, दो ब्रैकेट मैंने लगाया है, और हमेशा कभी भी माइनस बाहर हो तो अंदर की वैल्यू को चेंज करते समय ब्रैकेट जरूर आप लगाएं, क्योंकि साइन ये जो माइनस का जो साइन है इससे चेंज होंगे अंदर के साइन, तो ध्यान रखना। अब ये नीचे कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऊपर साइन थीटा वन, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू से टू अंजा टू, फिर माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, अब ब्रैकेट आप खोल दिया, इस माइनस से साइन चेंज हो गया, देखिए पॉजिटिव हो गया। नीचे आप ऐसे ही रहने दो, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, नीचे मैं तभी सॉल्व करूंगा जब ऊपर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे सॉल्व करने के, तो अभी तो ऊपर सॉल्व हो रहा है। साइन थीटा, अब ये वन माइनस टू मैं क्या लिखूंगा माइनस वन, तो मैं माइनस वन यहां ना लिखकर इसके बाद लिखूंगा, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा यहां से मिला क्या माइनस वन, तो मैं माइनस वन इधर लिखवा, और नीचे वाली चीज मैं कॉपी कर दूंगा कॉस थीटा और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए आप ये चीज और ये चीज सेम है, कट गई, साइन अपॉन कॉस बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसे आप लिख सकते हो टेन थीटा। तो आर एच एस यही लाना था, सो अपना एल एच एस इक्वल हो गया आर एच एस के। अब यहां पे आप लिख सकते हो हैंड्स प्रूफ। चलिए।